दोस्तों, ये वीडियो आपके जिंदगी का अब तक का बेस्ट और चौंका देने वाला वीडियो होने वाला है। यस, मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, इस यूनिवर्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इस वीडियो में जो प्रूफ्स, जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, उन सारे प्रूफ्स और एग्जांपल्स को देखने के बाद आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपका विश्वास अपने आप बनने लग जाएगा। मैं आपको इसका जीता जाता प्रूफ देने वाली हूँ। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जब उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत भी नहीं की थी तो उन्होंने अपने आप को $10 मिलियन का एक चेक लिखा था, जिसमें उन्होंने डेट लिखी थी 5 साल बाद की। ठीक 1994 में उन्हें डम और डम्बर मूवी के लिए $10 मिलियन की फीस मिली थी। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते थे। जैसे ही स्मिथ का नाम एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ, उन्होंने विजुलाइज करना शुरू किया, जब भी मेरे को अवार्ड मिलेगा और मैं स्टेज पर जाऊंगा तो मैं अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को कैसे थैंक यू बोलूंगा। तो उन्होंने कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया और वो जीत गए। वो भी तब जब उन्हें पता था अदर नॉमिनी कितने स्ट्रॉन्ग हैं और उनका नाम आना कितना मुश्किल है, फिर भी उस चीज को उन्होंने अट्रैक्ट किया। ऐसे ही बहुत सारे बड़े और सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से सक्सेस को अट्रैक्ट किया है। विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट सुपरस्टार, ने ओपनली इस बारे में बात की है। जब भी वो कोई मैच होने वाला होता है या सीरीज होने वाली होती है, उसके जो भी अगेंस्ट में बॉलर होते हैं उसके अगेंस्ट शॉट मारते हुए विजुलाइज करते हैं, 6 मारते हुए विजुलाइज करते हैं या 4 मारते हुए विजुलाइज करते हैं। ये सब एग्जांपल देखने के बाद हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हर कोई अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, और अपनी सक्सेस को अचीव कर सकता है। पहले तो मैं आपका एक डाउट खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बस सोचना है और सिर्फ सोचते ही रहना है। आपके सोचने से ही सब कुछ हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, एकदम 1% भी बिना डाउट किए सोचोगे कि मुझे तो अब ये मिल ही गया है, मुझे ये पाने से या मुझे ये बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आपने सही तरीके से सोचा होगा, पूरे मन से सोचा होगा, अगर पूरी तरह से उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाया होगा, तो आपको सच में उसके बाद कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सब आपका दिमाग कर लेगा। ये दिमाग आपको कमांड देगा कि आपको क्या करना है, आपको कितनी मेहनत करनी है, कहाँ करनी है। आप नहीं भी चाहोगे फिर भी ये दिमाग कोई ना कोई रास्ता निकाल कर आपसे मेहनत करवा ही लेगा, आपको वो बना ही देगा जो आपने बनने के लिए सोचा होगा। यानी दिमाग आपसे एक्शन करवाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के वर्क नहीं करता, इसमें एक्शन जरूरी है। जो हम सोचते हैं उससे एक वाइब्रेशन निकलती है जो कि यूनिवर्स में चली जाती है, जिसे हम डिटेल में वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। साइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। इंसान, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी और दूसरे ग्रह, चाहे कुछ भी हो, सभी एनर्जी से बने हुए हैं। एनर्जी की डेंसिटी हर चीज में अलग अलग होने के कारण हर चीज हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीज आपस में जुड़ी हुई है और वह एक ही एनर्जी का अलग अलग रूप है। हम भी एनर्जी हैं। जिस एनर्जी को हम पाना चाहते हैं वह भी एक एनर्जी ही है। एनर्जी के अलग अलग रूप की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, साथ ही
आपको बता दूं कि हमारे विचार भी एनर्जी का ही एक रूप होते हैं। साइंस कहता है एनर्जी को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विचार भी ऊर्जा का रूप होते हैं। इस विचार को किसी चीज में बदला जा सकता है। जब हम किसी चीज के बारे में विचार करते हैं और उसको पूरे दिल से सोचते हैं, तो उस विचार की फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में चली जाती है। जिस तरह आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार ये यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं, आप उसका नंबर मिलाते हैं और आपकी बात उस इंसान से हो जाती है। उसी तरह से जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज आपको मिल जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अवसर मिलते हैं, आपको हिंट्स मिलते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसके लायक बनने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो उनका कहना है, अगर आप सच में किसी चीज को पूरे दिल से चाहोगे तो वे आपको मिलेगा। और यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो आप एक वाइब्रेशन छोड़ते हो, मुझे ये चाहिए, और आपके रास्ते आसान होते जाते हैं। और अगर आप सीरियस तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेते हो, अगर आप बहुत सीरियस तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेते हो कि हाँ मैं तो ये बन ही गया हूँ या मुझे ये बनना है, इससे आप वैसा ही सोचोगे, आप वैसा ही एक्ट करोगे, आप वैसा ही काम करोगे, तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा जैसा आपने सोचा होगा, जैसा आपने काम किया होगा। आप जैसा बनना चाहते हो पहले से सोच लो कि आप बन गए हो और एक्टिंग करते रहो, तो सच में आप वह बनने लग जाओगे, क्योंकि आपका हाव भाव, आपका काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा और फाइनली आप वो बन ही जाओगे। आप जिस चीज को पाना चाहते हो, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो या ढेर सारा पैसा हो या किसी से अच्छा रिलेशन हो, उसे पाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना होगा। आपको अपने मनपसंद चीज यूनिवर्स से मांगनी होगी, या कहें तो उसे आदेश देना होगा, वह आपको आपकी मनपसंद चीज ला कर दे। आपका ये आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे कागज पर लिख ले। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। इस कागज को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे दिन में कई बार देख सके, जैसे कि आप अपने बेड के सामने या अपनी स्टडी टेबल के ऊपर। इसके बाद आपको खुद में ये यकीन दिलाना होगा आपकी मनपसंद चीज आपके पास है। इसके लिए आपको अपनी मनपसंद चीज के विचार के साथ अपने विचार, अपने विश्वास या आस्था को जोड़ना होगा। आस्था वो फीलिंग है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ जोड़ देना होगा। आस्था वो फीलिंग है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ जोड़ देना होगा, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी उस वस्तु की फ्रिक्वेंसी से जल्दी मैच होगी और आदेश का पालन जल्दी से जल्दी होगा। अपना विचार या अपना आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग होती है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको खुद को बार बार ये विश्वास दिलाना होगा कि वे चीज आपके पास ही है, और उस चीज के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी फीलिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपका काम पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। आपके विश्वास की क्वालिटी के हिसाब से यूनिवर्स उस चीज को आपको देने में समय लेगा। आपके विश्वास की क्वालिटी के हिसाब से यूनिवर्स उस चीज को आपको देने में समय देगा और फिर बाद में वह चीज आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते समय
कुछ जरूरी बात का ध्यान रखें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी काम करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज को पाने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेने या काम करने से आपकी आस्था और विश्वास की सबसे ऊपरी लिमिट बढ़ती जाती है। यूनिवर्स के लिए समय, दूरी और मांगी गई चीज की मात्रा कोई मायने नहीं रखती। कोई चीज मांगने के बाद कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। उतनी बड़ी चीज या उतनी बड़ी मात्रा में कोई चीज मांगो जितना आप विश्वास कर सको आप वह चीज पाने के लायक हो। यूनिवर्स अच्छी या बुरी चीज में कोई फर्क नहीं कर पाता, उसे तो बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है। जैसी फ्रीक्वेंसी की फीलिंग आप भेजोगे वैसी ही चीज आपको मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचर का वरदान तभी है जब आप इसे अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करके आदेश देते हैं तो ये आपके और समाज के लिए अभिशाप भी बन सकता है। यूनिवर्स से जब भी कोई चीज मांगो या आदेश दो तो वो क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से निकलने वाली फीलिंग्स को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार काम करता है।